नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक हैं ना? अभी तक हमने व्यंजन क से ठ तक लिखना सीखा, तो एक हम पहले रिवीजन करेंगे क से ठ तक, फिर एक ठ लिखेंगे, ठीक है बेटा? चलिए ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशन पर फोकस होना चाहिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से कमला, घ से घर, अड़े खाली। बेटे च थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, इसे इसका खास अपने ध्यान रखना है। छ बेटे डॉट से स्टार्ट नहीं करना, डॉट से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, ठीक है? छ छतरी, इसको टच नहीं करना है। ज से जग, झ से झंडा, न खाली। न में देखो ध्यान से फॉर्मेशन का बेटा, प्लीज ध्यान रखो सभी। अब ये टर्म में क्या करना है, स्मॉल स्टैंडिंग, इसको टच नहीं करना है ब्लैक लाइन को, देन कर, देन स्लिप। टर्म में भी सेम, पहले आपने ट बनाना है स्मॉल स्टैंडिंग, देन कर, अगेन कर, इसको ज्वाइंट करते हुए, देन स्लिपिंग, स्मॉल स्टैंडिंग, देन कर, ब्लैक लाइन को टच करना बेटे, अगेन कर, स्मॉल स्टैंडिंग, देन कर, अगेन कर, देन स्लिपिंग। ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ठ से ठेला, ठ से थसा थस, कोई चीज भरी हुई है, बहुत सारी चीजें, ठीक है? तो इस तरीके से आपने बेटा आज वर्क कंप्लीट करना है। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।